हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरियस कंसेप्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। किस तरह से हम उसको मेयर करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हमारा जो अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है तो वहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट यूजफुल लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप eduCEM ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट का और उसी तरह काफी सारे MCQ टेस्ट अवेलेबल हैं जिसको आप फ्रीली ट्राई कर सकते हो। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। इंडियन इकोनॉमी भी का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल प्राइस। तो उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट हम अर्लियर वीडियो के अंदर कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ब्रीफली जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे एक इंडिविजुअल को हम तब कहते हैं कि भाई तो बेरोजगार है जब ही इज रेडी, ही इज विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, बट उसको काम नहीं मिलता। According to Professor Pigou, a man is unemployed only when he is both without job or not employed, also desire to be employed. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है जब उसके पास जॉब भी नहीं है, उसको काम भी नहीं मिलता, but he is having the desire to get the work. अनएम्प्लॉयड जो है वो लेंटरली भी हो सकती है कि जैसे काम मिल रहा है बट आई एम नॉट रेडी टू वर्क। तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर जो लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते। उसी तरह जो इनवॉलेंटरली है उसके अंदर उनको हम काउंट करते हैं बिकॉज दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। तो यहाँ पे जब हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं जिनकी आयु जो है 60 years एंड अबव है, और उसी तरह जो बच्चे बिलो 15 years हैं, सिक पीपल हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, इवन जो लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करते उनको भी हम कंसिडर नहीं करते। तो उसी तरह हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन जो है ईयर। स्टैंडर्ड ईयर पर्सन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है पर डे 8 घंटे की स्पीड से 273 डेज काम करता है। Now we will understand various important concepts which are related to the measurement of employment and unemployment. Labor supply, तो जनरली लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्कफोर्स को एक जैसा माना जाता है, बट यहाँ पे काफी डिफरेंस है इसके अंदर। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को मेयर करते हैं तो इनके अंदर टेक्निकल डिफरेंस है। लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर वेज रेट है तो इस पे कितने लोग जो है दे रेडी टू वर्क। जैसे 500 है तो कितने लोग हैं, 600 है तो कितने लोग हैं। रेफर टू द अमाउंट ऑफ द लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर एट ए पर्टिकुलर वेज रेट। वन मे बी एबल टू वर्क फॉर 10 hours a day, बट जब हम कहते हैं कि 500 है तो वो कहता है कि मैं 6 घंटे ही काम करूंगा। लेबर फोर्स का मतलब होता है रेफर टू द नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली वर्किंग, कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं और विलिंग टू वर्क है। ये लेबर फोर्स जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट। वर्कफोर्स जो है एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं इसके अंदर हम उन लोगों को कंसिडर नहीं करते। जैसे लेबर फोर्स के अंदर हम उन लोगों को कंसिडर करते हैं जो एक्चुअली वर्किंग है प्लस वो विलिंग टू वर्क, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअली वर्क है उसी को लेते हैं, जो विलिंग टू वर्क है दे आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो जो डिफरेंस है लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, उसके बेसिस पे हम बेरोजगारी को निकाल सकते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। अगर हमने परसेंटेज में निकालना है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द लेबर फोर्स इनटू द 100। तो अब हम इनके अंदर थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जो है डिफरेंस देखते हैं। What is the difference between the labor supply, labor force and the workforce? देखो लेबर सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वेज रेट के अंदर कितनी सप्लाई ऑफ लेबर है। सप्लाई ऑफ लेबर की जब भी हम बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेज रेट, कि ये वेज रेट है तो इस पे हाउ मेनी पीपल दे आर रेडी टू वर्क। लेबर फोर्स का मतलब है रेफर टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअल वर्किंग और willing to work, तो ये wage rate के साथ related नहीं है। वर्कफोर्स के अंदर नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, तो यहाँ पे हम उन लोगों को कंसिडर नहीं करते हु आर विलिंग टू वर्क। उसी तरह जो लेबर सप्लाई है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट है तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर को हम मेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मैन डे और पर्सन डे। 1 पर्सन डे का मतलब है कि 8 घंटे का काम, लेकिन लेबर फोर्स जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, और ये जो है नंबर ऑफ पर्सन के अंदर मेयर होती है, नॉट इन टर्म ऑफ द पर्सन डेज। साइज ऑफ द लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है जब नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। तो वर्क फोर्स जो है एक्चुअल में लेबर कितनी काम कर रही है। So these are the important concepts which are related to the measurement of the employment and unemployment. Participation rate का मतलब होता है कि actual में कितनी population, what is the percentage of the population who's participating in the productive activity. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि what is the ratio between the workforce and the total population of a country. So participation rate is equal to the workforce divided by the total population into the 100. उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे जो है बेसिकली नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 3 कंसेप्ट जो है डिवाइस किए हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम लोग मेयर कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस एंड डेली स्टेटस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द यूजुअल स्टेटस। देखो यूजुअल स्टेटस का मतलब है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी सिचुएशन when a person usually spends majority of his time in work or that he is usually taken to the work, and work जो है casual temporary activity नहीं है। देखो जब हम usual status का मतलब है कि जब हम एक व्यक्ति कैसी सिचुएशन, कैसी अवस्था, आप एक व्यक्ति जो है अपना ज्यादातर काम जो है, ज्यादातर समय जो है उस काम के ऊपर स्पेंड करता है। तो वर्क का मतलब है कि जहाँ पे वो वेजेस को प्राप्त करने के लिए काम करता है, उसके बदले में he gets some wages, he gets some income, और वो एक्टिविटी जो है कैजुअल एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है 183 डेज का अगर आपको वर्क मिलता है तो दैट इज कंसिडर्ड फॉर ए यूजुअल स्टेटस। पर्सन वर्किंग फॉर 183 डेज और मोर डेज इन ए ईयर मानते हैं कि यूजुअल स्टेटस है, कि यूजुअली वो अपना वहां पे उसको काम मिल रहा है। और अगर जो है वो काम मतलब उसको उतना काम नहीं मिल रहा, वर्किंग फॉर लेस देन 183 डेज इन ईयर इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क फॉर मोर देन 183, वो काम उससे ज्यादा करना चाहता है बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग द वर्क, जो वर्किंग डे है उसके लेस देन 183 डेज इन ईयर है, तो उसको हम मानते हैं कि ही इज अनएम्प्लॉयड बाय द यूजुअल स्टेटस। उसी तरह ही हम देखते हैं कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय यूजुअल स्टेटस को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड बाय द यूजुअल स्टेटस, उसको हम डिवाइड कर देते हैं साइज ऑफ द लेबर फोर्स। वीकली स्टेटस के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो है वो वर्क फोर्स का हिस्सा माना जाता है ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड वीक, तो उसको हम कह देते हैं कि जो स्टिपुलेटेड वीक है जनरली वो 7 डेज है। जब मान लो आज हम उससे बातचीत कर रहे हैं तो उससे पहले अगर वो ऐसी वर्क फोर्स का हिस्सा है तो उसको माना जाएगा कि ही इज एम्प्लॉयड बाय द वीकली स्टेटस। और अगर वो उस वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं है तो हम कह देंगे कि वो व्यक्ति बेरोजगार है बाय द वीकली स्टेटस। डेली स्टेटस के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे हम मानते हैं पर डे के हिसाब से। Work out the number of man day people were willing to work and the number of man days they actually work. The difference between the two shows man day wasted or unemployed by daily status. तो rate of unemployed by daily status का जो मतलब है कि यहाँ पे number of man days जो कि हमने सर्वे वीक के अंदर यूटिलाइज नहीं किए, number of man days एक्चुअली जो अवेलेबल थे हमारे पास सर्वे वीक के अंदर, तो इस तरह से हम डेली स्टेटस के हिसाब से बेरोजगारी कैलकुलेट करते हैं। देखो जो यूजुअल स्टेटस के हिसाब से हम बेरोजगारी को मापते हैं तो ये एक स्टेबल पिक्चर को बताते हैं, जैसे कि हम वीकली या डेली मेजर करते हैं तो वो हमें इतनी ज्यादा पिक्चर जो है क्लियर नहीं बताता।